नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रविवार को आरण को कस्टडी में लिया और उनसे ड्रग्स मामले में पूछताछ चल रही है। पूछताछ के दौरान आरण खान टूट गए। इंटरोगेशन के दौरान आरण अपने आंसू रोक नहीं पाए और रोने लगे। जी हां, आपको बता दें, शाहरुख खान के बेटे आरण खान को क्रूज में हो रही ड्रग्स पार्टी के मामले में रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रविवार को उसे कस्टडी में लिया और उनसे ड्रग्स मामले में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, एनसीबी सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान ने अपने बेटे आरण से फोन पर बात की है। आरण की गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत एनसीबी ने अपने लैंडलाइन फोन से आरण की अपने पापा शाहरुख से करीब 2 मिनट बात करवाई। इस दौरान आरण पूछताछ में लगातार रो रहा है। एनसीबी पूछताछ में हुआ खुलासा कि आरण करीब 4 साल से ड्रग सेवन कर रहा है और भारत के बाहर भी यूके, दुबई या बाकी अन्य देशों में आरण ने ड्रग्स का सेवन किया है। आरण और अरबाज लगभग 15 साल से दोस्त हैं। आरण फिल्म मेकिंग से भी जुड़ा हुआ है। इससे पहले एनसीबी ने क्रूज में अपनी छापेमारी और वहां से बरामद किए ड्रग्स पर बयान जारी किया था। एनसीबी ने टिप के आधार पर क्रूज पर कार्रवाई की थी। एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने आरोपी के पास से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए, एक्सटेसी की 22 गोलियां और 1.33 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। वहीं एक लिखित बयान में आरण खान ने अपनी गिरफ्तारी को स्वीकार करते हुए लिखा, मैं अपनी गिरफ्तारी की वजह को समझता हूँ और अपने परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी दे दी है। एनसीबी ने आरण, अरबाज मर्चेंट समेत केस के अन्य आरोपियों को फोन जब्त कर सारे मैसेज खंगाले थे। उस जांच में ये बात सामने आई थी कि आरण कई ड्रग पैडलर और ड्रग सप्लायर के टच में थे। उस सबूत के आधार पर ही एनसीबी ने दोनों आरण और अरबाज को आमने सामने बैठाया और जमकर सवाल जवाब किए। एनसीबी की हिरासत में आरण ने क्रूज में अपनी मौजूदगी को लेकर सफाई देने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें गेस्ट के तौर पर क्रूज में बुलाया गया था और उन्होंने इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए थे। आर्यन ने यह दावा भी किया था कि उस पार्टी में उनके नाम पर लोगों को इनवाइट किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।